guys. We are going to start our journey. We have never done this sport before. And here, me didn't sleep. Raju also did. Wow. Finally, we won. So right now, guys, everyone is sleeping and we are on our way to going a trip. Are you excited, Raju, for our trip? International trip we are going. Where? Bhutan or Nepal? Bhutan. Bhutan. Bhutan hota hai, Bhutan hi. Bhutan bola hai sir. वैसे मेरा बाल तो सही नहीं है. कोई बात नहीं. थैंक यू सावना. Good night. And here we are ready. Let's go to Sanidhi homes because from there we all are going. Firstly, we will go to the APC. Then from APC, our plan is to go to Majestic and then Majestic to where was the place? Nandi Hills. Aja tu. Light bunker, hi. जो हवा चल रही है ना, क्या बताऊं मैं. अब इसी को तो अलग ही वाइब है भाई. 4:30 की इधर का नमाज है. हाँ, मतलब इस टाइम पढ़ाई भी करनी चाहिए आप जैसे लोगों के लिए, सक्सेसफुल रहता है. ना ना, वो नहीं, इस टाइम तो भाई सही में ये टाइम एकदम सही है. अरे भाई, मैं तो पहली बार निकल रहा हूँ 4:30 बजे सुबह सुबह से. और मतलब हम लोग तो भाई कोई भी सोया भी नहीं. इससे पूछा मैंने, ये नहीं सोया. उधर से फोन आया, वो पूछ रहे मेरे से, कह रहे सोए हो भाई. मैं कहा नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. एक तो पहली चीज़ ये कि अपन लोग आए सोने वाले 1:30-2 बजे करीब, ठीक है. और जब बात आ जाती है ट्रिप की तो एक्साइटमेंट वैसे, दूसरी चीज़ ये. और तीसरी चीज़ ये कि 3:30 बजे अपने को उठना था क्योंकि 4:30 तक अपने आप को निकलना था. तो अब ऐसे में तो वैसे नींद नहीं आती यार. तो अब आ गए हैं यहाँ पे, इनको कॉल करते हैं बंदों को अपने. गाइस, अभी अपन लोग आ चुके हैं इन लोगों के पीजी के सामने और इनको कॉल किया है. ये वो शौक थे लोग कि हाँ भाई तुम लोग तैयार हो के आ भी गए, क्योंकि पता है सबको भाई. है भाई, क्या होता है बताओ. रहने दो, बच्चे डर जाएंगे. तो राजू अभी कह रहा है कि चलते हैं ब्रेकफास्ट ढूंढ के आते हैं. अभी इन लोगों को कॉल किया, कह रहे हैं कि सिर्फ 9 मिनट का टाइम दो, 9 मिनट्स वी ओनली रिक्वायर्ड एंड वी विल बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू. 9 मिनट में कौन कैसे तैयार होता है भाई? हम तैयार हो जाते हैं 9 मिनट में. और क्या, वो लोग नहीं हो सकते. द बॉयज बैकग्राउंड दिखा. और भाई अपने को यहाँ पर टाइम हो चुका है 5:06. बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है और ये बंदे अभी तक नहीं आए. अभी कॉल किया है वैसे, कह रहे हैं कि आ रहे हैं, बट देखते हैं कितनी देर लगेगी इन लोगों को. क्योंकि वो जो साथ वाले बंदे हैं ना, वो थोड़ा क्या कहते हैं, डिओड्रेंट छिड़कने में थोड़ा बिजी हैं. लॉन्डी इम्प्रेस करना है उनको, तैयारी होने में थोड़ा टाइम. लॉन्डिया थोड़ा ना, इसका टाइम लगा रहे हैं भाई. अंदर से फील समझा करो यार. सॉरी माय बैड. हमारे महान हस्ती ये प्रेम की माला है भाई, हर किसी को नहीं मिलती. तो भैया अभी अपन पहुंच चुके हैं एपीसी. अब टाइम हो रहा है राइट सुबह के 5:45 और अपना जो प्लान था वो निकलने का था 4 बजे का. 4 बजे से अपने को पे यहीं पर बच चुके हैं और अब करते हैं चलो बस का वेट. अभी कॉफ़ी पी लिया अपन है यहाँ पे. तो भैया अपने को बच चुकी है बस और हम लोग सभी तैयार हैं. कहीं कहीं बैठे अब तो बिखरे हुए लोग हम लोगों के.
अभी अपने जाते जाते 8 के जो बच्चे हैं, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है पूरे 5:58, तो 8 बजे अपन में डिस्ट्रिक्ट कोचिंग में, फिर वहाँ से देखते हैं आगे क्या है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मॉर्निंग में हम लोग 25 मिनट्स में अपना यहाँ पे पहुँच गए बैनरघट्टा। अगर वैसे अगर अपन आते नॉर्मल डे में, मतलब कि दिन के टाइम में एंड आफ्टरनून वहाँ पे एंडिंग, अपने को 1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ यहाँ तक आने में। उसके बाद फिर आता 1 घंटा में जिस तक ये तो फ़ायदा है बस कि सुबह सुबह ट्रैवल करना, बस वही इतना नहीं चीखते कि अपने को ठीक है ट्रैफिक नहीं मिलता सुबह सुबह। ₹150 देगा। भाई अपना मॉर्निंग हो चुकी है 7:00, पहुंच चुके हैं मजेस्टिक अपना। अब यहाँ से कौन सी बस लेनी है भाई, कहाँ के लिए? अपना जाना है अपना नंदी हिल्स, उसके लिए बस देखते हैं कहाँ से मिलेगी। यहाँ से एक RCTC की बस ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से जाएंगे चित्तबालू की, पता नहीं कौन सी लोकेशन है, तो वहाँ से फिर अपने को रिटर्न लेना पड़ेगा 5 किलोमीटर, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं लेंगी इसकी, तो अपना वहाँ पर चलते हैं फिर करते हैं। भाई अपन पहुंच गए यहाँ पर चिकपालापुर बस स्टैंड पर, अभी यहाँ से अपने को बस लेनी है वापसी नंदी हिल्स के लिए। अभी टाइम हो गया अपना 10:09:52, भाई फाइनली वेरी क्लोज टू नाउ, लाइक यहाँ से वापसी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू नंदी हिल्स। तो भाई अभी क्या सीन हुआ, अपन एक बस मिस कर चुके हैं, अब नेक्स्ट बस आएगी 12 बजे। अब एक और बस है वो जल्दी हिल से पहले नीचे उतारेगी, फिर वहाँ से ऑटो में पर पर्सन ये लोग कह रहे हैं कि 100 रुपीज़ लगेंगे। सच्चा ये कह रहे हैं कि तुम लोग 1 घंटा और वेट करो, बस आएगी उसमें 30 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा, तो वो सीधा डायरेक्ट वहीं पर पहुँचा दूँ। तो अब हम वेट करते हैं बस के लिए, अपने पास 1 घंटा है कुछ खाने पीने का, देखते हैं अरेंजमेंट। भाई अभी यहाँ से हमने खा लिए हैं फ्रूट्स, ज़्यादा कुछ अभी खाने का मन नहीं था, और आसपास भी ऐसा कुछ है नहीं अच्छा, तो फ्रूट्स खा के अपना हो गया काम। अब चल रहे हैं बस स्टॉप पे, ये बस नहीं मिस होनी चाहिए यार, वरना फिर से वेट करना पड़ेगा, और वेट करने में बहुत मेहनत आती है। फाइनली वो बस मिल चुकी है अपने को, अब चलते हैं सीधा नंदी हिल्स की ओर। बाय बाय।
फाइनली अपन पहुंच चुके हैं नंदी हिल्स पर और अब करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, एंजॉय स्टार्ट करते हैं। So, bhai, finally we are inside the Nandi Hills and now like we are going to visit one temple as per the arrow. But let's see where it will go. But one thing is good, yaar. All quiet place, yaar. So much peaceful. Bahut badhiya, bhai. So guys, yahan pe apna photo shoot ka taiyari chal raha hai. Photo tera aayega nahi, badhiya tu rehne de tu. Isko doubt hai, bhai, hamesha. Psycho banda hai. Psycho banda. लेकिन लोगों का फोटो शूट नहीं खत्म हो रहा है, सभी अपने में लगे हुए हैं। ऑन कैमरा भाई कैप्चर कर चुके हैं इनको हम लोग, चोरी पकड़ी गई। मेरा बता भाई, एक सरोवर का रास्ता दिखा जा रहा है, चलना है। नहीं वो ये सरोवर पे चलना है क्या? जाना है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने पुराने टाइम के जो लवर्स होते थे उन्होंने अपने नाम लिखे हुए हैं टाइम के साथ की कब कौन से ईयर में आए थे हम लोग। और ये यहाँ से नीचे फिर वही जंगल है। भाई यहाँ से बिल्कुल लला, पता है मेरे को मनाली वाली भाई भी याद आ रही है सारी। जो ऐसा मौसम हुआ है यहाँ पे, बस बारिश हो रहा है ना, और जो बादल है और भाई सीन।
और भाई यहाँ पे फिर से फोटो शूट चलते हुए और बाहर का नजारा देखो, बारिश आ चुकी है भाई फिर से और यहाँ पर मौसम हो रहा है बहुत ही सेक्सी, बहुत ही सुंदर भाई पूरा बॉडी वॉच। गांधी नहीं लाया बापू का कुछ है यहाँ पर, एक तरह से होटल है मेला टाइप का, अगर किसी को स्टे करना तो यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, वैसे ऑफलाइन बुकिंग वगैरह कुछ नहीं है। तब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। और भाई अभी इस टाइम जो मौसम हुआ है यहाँ पे क्या ही कहना है इस मौसम का, और तेज बारिश आ जाए फिर तो यार अलग ही मजा आ जाएगा। देख के बोला कर अभी आने वाला तभी तो बोलो तेज बारिश आ जाए और भीगे भीगे हम भीगे जाए। अरे और क्या, भीगम भीगा हो जाएंगे। नहीं नहीं भैया ऐसी कुछ कुछ करते रहते हैं हम लोग, चलते हैं अपना ऊपर। ओके ओके, और यहाँ से मेरे पीछे से भी देख ही सकते हो आप। चलो नेक्स्ट लोकेशन तो भाई अभी अपन ही पता नहीं कहाँ चले गए थे, बीच से बीच में निकल गए कहीं भी, अब वापस जा रहे हैं, गुम हो गए थे बेसिकली एक तरह से, अब रास्ता ढूंढा है वापस वहीं पे जा रहे हैं, पलार रिवर पता नहीं कौन सा रिवर है। मेरे पीछे चारों तरफ वादियां ही वादियां और हवा इतनी सेक्सी तेज चल रही है ना, बहुत ही बात थी भाई, यहाँ आके पैसा वसूल वाली बात हो गई, बढ़िया एकदम मजे आ गए। चलो भाई यार गाइस वापसी की ओर चलते हैं अभी एग्जिट की ओर, हैवी फोटो। तो वही अभी अपन लोग यहाँ पे बैठ के सभी लोग वेट कर रहे हैं बस की, कब बस आएगी, फिर बस में चलेंगे अपना। तो स्टॉप का वो ये जो कोल्ड है ना, ये जो क्लाउड है इसमें नमी है, क्लाउड में नमी, इस वजह से हमें ज्यादा कोल्ड लग रहा है। टेम्परेचर 20 हुआ है, 22 होगा मस्त भी। अपना कौन सा बस स्टैंड था भाई, अपने वाला चिकमंग बल्लापुर वाले बस स्टैंड पे जाना, फिर वहाँ से मजेस्टिक की बस चाहिए आपको। तो यार बड़ा बुरा सिस्टम है यहाँ का, साला बस ही नहीं आ रही, पता नहीं आएगी भी या नहीं। अब ऑटो वाले मांग रहे हैं 40 रुपीज़ पर पर्सन नीचे तक के, जो कि है अपना 5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद से अपने वो चिकबल्लापुर के लिए
अलग से 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। फिर उसके बाद से मैं जिस टिक तक के 70 रुपीज़ 71 रुपीज़ पर पर्सन, तो ये करके अपना खर्चा ज़्यादा बैठ गया। यहाँ के बंदे ऐसे हैं, प्राइस भी ज़्यादा लेते हैं, मान लो 25 रुपीज़ कोल्ड ड्रिंक है तो 30 रुपीज़ लेंगे उनका अलग से टैक्स, आइसक्रीम 30 की है तो 40 लेंगे। तो अभी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा आपने क्या है बस आएगी कि नहीं, कह रहे नहीं ऑटो से जाना पड़ेगा। तो कल ही इन लोगों ने स्कीम लगा के रखी है अपनी ऑटो वाले ने। बताओ फिर क्या करना है ऑटो से निकल लेते। चलो भी बताते हैं आपकी क्या बनता सीन है। तो कि अभी मेरे ऑटो में 5 बंदे और इसमें बैठ सकते हैं 15 बंदे, तो आओ मैं लेके चलता हूँ नीचे। भाई ऑटो में 15 बंदे पागल है? हमें वो कह रहा है बंदा, कह रहा है 15 बंदे बिठा लूंगा मैं। भाई नीचे जा रहा है गाड़ी 35 कर रुपए उधर 35-40 कर रुपए और ऊपर से ऑटो 3-व्हीलर 15 लोग। सारा गाड़ी है कि कसौरा है पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं लोग। देखते हैं रैपिडो वगैरह भी देखते हैं लास्ट ऑफ क्या होगा। बस यही चीज़ है भाई यहाँ पे कोई भी गाइडेंस नहीं है। मान लो अगर नया बंदा आता है यहाँ पे तो भूल जाएगा, वो गुम हो जाएगा, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा। नहीं ये रूट सिलीगुड़ी में भी है, सिलीगुड़ी जो दार्जिलिंग है ना वहाँ पे भी नहीं चलता, वहाँ पे भी नाइट के 600। अगर यहाँ पे भैया तुम अपनी भी विचार हो तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो आ जाओ तो बहुत ही बेकार हो यहाँ पे। तो ये बात इतना कोहरा नहीं है यहाँ पे, जाओ ना तुम आ तो जाओगे बस में, बट वापसी के लिए बस मिलना मुश्किल हो रहा है जैसे हमको। तो भाई अब अपन निकल गए हैं बाय वॉक ऑन बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। ऑटो में जाना बहुत रिस्क की बात है क्योंकि 10 किलोमीटर ऊपर चल रहा है भाई। निकलते हैं अपन कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। बात ये है कि अगर हम स्टे करने का सोचे बट अपने को जाना तो नीचे पड़ेगा फिर भी स्टे करने के लिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई भी होटल नहीं है स्टे के लिए। पॉइंट सारा ये है कि अपने को नीचे जाना है। अगर यहाँ पे होता होटल कि स्टे करने का ऑप्शन होता तो अपन यहीं पे स्टे कर लेते, फिर तो कोई दिक्कत नहीं कि सुबह चलते अपन और सिस्टम ठीक है। बट तो ऑप्शन सो अपन चलते हैं ऐसे ही, चलते चलते मिल जाएंगे रास्ते। भाई अब अपन जा रहे हैं वॉक करते हो जॉगिंग करते करते बिकॉज ये रास्ता ऐसा है साथ की आज कुछ ज्यादा ही फन है अलग ही। ओए बादल देखो बट मुझे लग रहा है हम जल्दी चले इसी नाम से तो अपन जल्दी चले जाएंगे। So finally we got the bus guys and now we are moving towards Chikka, kya tha bus Chikka Balapur, ha Chikka Balapur station. तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं मैजिस्टिक। अब यहाँ पे कुछ खाते हैं पीते हैं फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी अपन ने खा लिया है फ्राइड राइस इस पीछे वाले मैजिस्टिक के होटल से, चलते हैं अपना बस की ओर, डायरेक्ट मिलेंगे आपको APC। तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग अपना जिगनी में, अपने एरिया में ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में पुल और अब पता था अपने को ये चीज़ की बस तो नहीं मिलेगी। टाइम क्या हुआ वो भी बता दो। टाइम भाई हो गया 11:17। अच्छा 11:30। हाँ झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना पाता है गली गली में साफ है। अपने को जाना पड़ेगा भाई बाय वॉक ओनली बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और टाइम हो गया 11:21, फोन में बैटरी रहेगी 5%। तो मिलते हैं अब सीधा आपको रूम पर।